यूपी में 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा 29 पर एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग से एक शिकायत की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है मुस्लिम और यादव बीएलओ और सुपरवाइजरों को हटाया गया है। इसके साथ ही एक सूची भी समाजवादी पार्टी की ओर से जारी की गई है, जिसमें मुरादाबाद जनपद के बीएलओ और सुपरवाइजरों के नाम हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी के पूर्व विधायक हाजी रिजवान से जानकारी की गई, तो हाजी रिजवान के द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए जानकारी देते हुए बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में मुस्लिम और यादव बीएलओ और सुपरवाइजरों को हटाने के मामले में मुरादाबाद के आला अधिकारियों से शिकायत की गई है और पूरे प्रकरण में मांग की गई है। वहीं मुरादाबाद में पूर्व विधायक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है, यहाँ पर कितने प्रयास कर लें, ये कितने वोट काट लें, इन पे है क्या वो करने के लिए? ये खाली मुसलमानों पे भरोसा नहीं कर रहे। 140 बीएलओ हटा दिए, 10 सुपरवाइजर हटा दिए, यादव हटा दिए, 25-25-30 अधिकारियों से शिकायत करी इस पूरे प्रकरण को, बीएलओ को हम मिले, डीएम साहब से मिले, हमने ज्ञापन दिया इस बात का, हमने डीएम साहब ये क्या चल रहा है, हमने आयोग को भेजा है। अब देखिए बात ये है, जो क्योंकि चार चार प्रभारी मंत्री यहाँ हैं, वो जितना दबाव डीएम साहब पर डालते हैं, डीएम साहब इतना डीपीआरओ और ये और को लगा के कर लेते हैं। अब राशन डीलरों का बिल्कुल कचूमर निकाल रखा है, प्रधानों का कचूमर निकाल रखा है, तुम वोट दोगे नहीं दोगे तो ये होगा, तुम्हारी फाइल खुल जाएगी, तुम्हें ये क्या नाम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप लिस्टें बना के दो, कौन सपा का है कौन भाजपा का है, एक वो बेचारे क्या लिस्टें बना के देंगे, वो तो कुछ कहेंगे, थोड़ी बहुत चुप बैठेंगे बिल्कुल। लेकिन जनता से प्रधान है, प्रधानों से जनता नहीं है, राशन डीलर जनता का बनाया हुआ होता है, राशन डीलर की जनता नहीं होती है। मुरादाबाद जिले में पूर्व विधायक के द्वारा शिकायत करने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें चुनाव आयोग से मुरादाबाद में जो कर्मचारियों को हटाया गया है उनको लेकर शिकायत की गई है, और इस पूरे प्रकरण में पत्र भी जारी किया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।